छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान जारी है। वोटिंग के बीच सुकमा और कांकेर में नक्सली हमला हुआ है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कांग्रेस पर बुरी तरह भड़क गए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस किस किस के साथ जुड़ी है ये समझना होगा। नक्सलियों के मामले में भूपेश सरकार फेल है, अब मतदाता कांग्रेस पर वोट की चोट करेगा। छत्तीसगढ़ में मतदान के दौरान नक्सली हमले पर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि देश विरोधी ताकतों के साथ क्या कनेक्शन है, इसके पीछे कौन लोग हैं, चुनाव में अच्छा करना है तो कांग्रेस किस किस के साथ जुड़ी है ये समझना होगा। कांग्रेस विदेशी धन बल का उपयोग कर रही है, बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या कई सवाल खड़ा कर रही है, कांग्रेस का भ्रष्ट चेहरा सामने आ गया है, भ्रष्टाचार के चलते जनता कांग्रेस को वोट की चोट देने के लिए तैयार है। कांग्रेस ऊंची राजनीति करते हुए विदेशी धन बल इन सब का प्रयोग कैसे कर रही है, ये महादेव ऐप हो या अन्य ऐसे सबूत हो, वो आप सबके सामने आए। जो कांग्रेस का भ्रष्ट चेहरा देश के सामने है, तो जनजातीय लोगों के साथ कैसे भेदभाव हुआ, उनके हक कैसे छीने गए, उनके रोजगार कैसे छीने गए, और जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है उसका दुरुपयोग कैसे किया गया, जो उन क्षेत्रों के विकास के लिए था उसका भी कांग्रेस ने कैसे दुरुपयोग किया, और भ्रष्टाचार के चलते आज वोट की चोट जनता देने के लिए तैयार है कांग्रेस। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इंडी गठबंधन किसी काम का नहीं है, ये गठबंधन किसी राज्य में नहीं चल पा रहा, कांग्रेस के खिलाफ मतदाता वोट की चोट करेगा। पेपर लीक स्कैम से कांग्रेस ने युवाओं के साथ छल किया, कांग्रेस के नेताओं के बच्चों को नौकरी दी गई, जब शराब घोटाले से पेट नहीं भरा तो कोयला घोटाला हुआ, और कोयला घोटाला से जब भूपेश बघेल का पेट नहीं भरा तो भूपेश बघेल आला कमान का पेट कैसे भरते, इसलिए उन्होंने महादेव ऐप से 508 करोड़ की घूस खाई। ये जो अखिलेश यादव जी बार बार मध्य प्रदेश में आके कह रहे हैं, ये इंडी अलायंस, ये घटिया गठबंधन, ये किसी काम का नहीं, ये साफ दिख रहा है, ना वहां पे चल पाया और ना मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में चल पाया। जहां पर युवाओं के साथ छल किया गया, कांग्रेस के नेताओं को, उनके बच्चों को नौकरियां दी गई, शराब घोटाले से जब पेट नहीं भरा तो कोयला घोटाला हुआ, तो कोयले घोटाले से जब भूपेश बघेल जी का पेट नहीं भरा, आला हाईकमान की पेट कैसे भरते, तो महादेव ऐप से 508 करोड़ की घूस खाना, ऐसा साफ हुआ है सब कुछ, और बदनाम और भ्रष्टाचार का चेहरा कांग्रेस का बाहर आया। फिर है रन की तैयारी, कौन है किस पर भारी, हर तरफ बेरोजगारी, किसकी है ये जिम्मेदारी, हम दिखाएंगे सिर्फ सच, हर रोज दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।